रोहतक में भिवानी स्टैंड व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत बख्शी ने सैकड़ों व्यापारियों के साथ मिलकर शहर के मेयर मनमोहन गोयल को शहर में बनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। व्यापारी नेता हेमंत बख्शी का कहना है कि अब व्यापार खत्म होता जा रहा है क्योंकि शहर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। रोड टूटे हुए हैं, अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है और सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं, जिसको लेकर ग्राहक भी बाजार में कम दिखाई देते हैं। मुख्य मुद्दा तो ये था कि शहर की जो सड़कें टूटी हुई हैं, आज आप देखें कि चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे वो मॉडल टाउन है, चाहे गांधी कैंप है, चाहे आपकी सरकुल्ला रोड है, चाहे जज्जा रोड है, किसी तरफ भी आप नज़र उठा के देख लें, शहर के जो बाहरी क्षेत्र हैं वो सभी सड़कें पिछले 2-2.5 साल से टूटी हुई हैं। तो हम लोग इनसे आज कुछ और भी समस्याएँ थी जिनके ऊपर हम लोगों ने बातचीत की है, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि बजट जो है वो अब जल्दी ही आने जा रहा है रोहतक शहर के लिए। और हमने भी इनसे एक निवेदन किया है कि जी बजट अगर 100 करोड़ का आए तो उसके आगे की जो जीरो है वो ना हट जाए, जितना पैसा आए ईमानदारी से वो शहर के ऊपर लगे, क्योंकि लोग पिछले 2-2.5 साल से बहुत परेशान हैं और छोटी छोटी समस्याएं और भी हैं। जिस प्रकार से अभी ये जो एलिवेटेड पुल है जो बजरंग भवन के साइड से निकल रहा है, वहाँ पर एक क्राइम ओरिएंटेड जगह बनी हुई है वो इस समय, तो वो जितनी जल्दी हो सके सरकार वहाँ पर सड़क बनाने का काम करे। उसके अलावा शहर के अंदर CCTV कैमराज के लिए भी बात हुई है, जो कुछ ऐसे बाज़ार हैं जहाँ के CCTV कैमराज ख़राब हैं, तो हमारी कॉरपोरेशन से निवेदन है कि वहाँ पे CCTV कैमराज जो हैं वो भी ठीक किए जाएं, ताकि जो वहाँ पे अपराध अगर किसी प्रकार का होता है तो जल्द से जल्द उसको पकड़ा जा सके। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिस प्रकार से आज अभी मेयर साहब ने भी बात की कि अतिक्रमण को लेकर, अतिक्रमण आज इस समय आप देखें कि शहर के अंदर, आप भिवानी स्टैंड पे जाके देखें या शहर के जो मुख्य बाज़ार हैं वहाँ जाके देखें, बहुत बुरी स्थिति हुई हुई है। चाहे वो व्यापारियों द्वारा ही किया गया है, मगर निगम अगर अपनी तरफ से थोड़ी सी भी उनके ऊपर सख्ताई बरतेगा तो शायद ये काम हो सकता है, जिससे आम जन को असुविधा नहीं है। अतिक्रमण करने वाले भी तो व्यापारी हैं। मैं आपसे पहले मैंने ये बात रिपीट किया कि अतिक्रमण करने वाला भी व्यापारी है, मगर आप आज ये देखें कि एक घर के अंदर जो है वो, मतलब बच्चे अपने बाप के नहीं सुनते, मगर जिस समय लठ की भाषा इस्तेमाल होती है तो सभी लोग अपना लाइन पे चलना शुरू होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो कॉरपोरेशन है या जो अपना जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, ये थोड़ा सख्ताई से पेश आए अगर शहर का माहौल ठीक करना है। सर, जब नगर निगम भी सख्ताई से पेश आता है, पुलिस प्रशासन भी, अतिक्रमण हटाया भी गया था आपके यहाँ से, लेकिन फिर पॉलिटिकल प्रेशर लगवा के फिर अतिक्रमण कर लेते हैं। मैडम, पॉलिटिकल प्रेशर तो हम भी ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर होता क्या है कि अगर 100 में से 5 बंदे ऐसे हैं जो हाँ भर रहे हैं जिस चीज़ की, कि हाँ हमें ये चाहिए, और 95 आदमी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मार्केट से अतिक्रमण खत्म हो, तो हम सोचते हैं कि उस जो अपने जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको उन 95 लोगों के साथ चलना चाहिए, ना कि उन प्रभावशाली 5 व्यक्तियों के साथ चलना चाहिए जिनकी वजह से पूरा का पूरा शहर का सिस्टम खराब हो रहा है। वहीं शहर के मेयर मनमोहन गोयल ने बताया है कि बजट के कारण शहर की रोडों की मरम्मत नहीं हो पाई। उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है कि शहर का बजट बढ़ाकर समस्याओं का निजात दिलाए। वहीं मेयर मनमोहन गोयल ने बताया कि शहर में दूसरी सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण की है, लेकिन अतिक्रमण व्यापारियों की वजह से बढ़ रहा है और वो कई बार अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चला चुके हैं, लेकिन व्यापारियों की वजह से अतिक्रमण नहीं हट पाता। रोहतक ट्रेडर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और व्यापारी वर्ग हेमंत बख्शी जी के नेतृत्व में आज यहाँ आए, उन्होंने पूरे शहर की जो समस्याएँ हैं उसके लिए अपना मेमोरेंडम दिया। ये वास्तव में समस्याएं हैं और हम पूरी तरह से कोशिश भी कर रहे हैं। अभी कॉरपोरेशन शहर में 35 किलोमीटर जो सड़कें टूटी पड़ी हैं उसके एस्टीमेट बना रहे हैं, और जैसे सर्दी का थोड़ा दौर कमज़ोर होगा तो उसके बाद वो काम शुरू होकर सड़कों में सुधार शुरू होगा। और भी बहुत सी समस्याएँ हैं यहाँ पर, जितनी भी समस्याएं ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल होने वाली, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध भी है। अभी एक समस्या ये आई कि कम्युनिटी सेंटरों में रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाया जाता है, वहाँ के नागरिकों को तकलीफ होती है, तो मेरा सबसे अनुरोध है कि वो भी इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे आदमी को तकलीफ ना होने दें, और सरकार का जो नियम है 10 बजे तक का, उसी के अंदर ही वो माइक लाउडस्पीकर बजाएँ ताकि लोगों को सोने में दिक्कत ना हो। और भी जितनी समस्याएं हैं पूरे शहर के बारे में इन्होंने समस्याएं दी हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का निराकरण हो और लोग अच्छे जीवन का तरह रह सकें।
मेयर मनमोहन गोयल ने व्यापारियों से अपील भी की है कि उनकी दुकानों के आगे रेहड़ी फट्टी ना लगाएं ताकि अतिक्रमण ना फैले और आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।